उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के तहसील सुवार में नगर को शौच मुक्त करने के लिए नगर पालिका ने बड़े पैमाने पर शौचालय बनवाए थे, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने पालिका कर्मियों को भेजकर घर घर सर्वे करवाया। तब सर्वे के दौरान पता चला कि 68 लोगों ने अनुदान की किस्त मिलने के बाद भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया। लगभग 50,44,000 रुपए की धनराशि हड़प ली गई। सुवार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रकम हड़पने वाले 68 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। जो 68 केस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इन लोगों को हमारे यहाँ से प्रथम किस्त 100% जारी हो चुकी थी, तो उसके बावजूद इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया कि भाई आप बना लीजिए, इनके वार्ड मेंबर से बताया गया कि इनको बनवा लीजिए, क्योंकि शासन स्तर पे हर पाक्षिक और मासिक समीक्षा होती है जिसमें हम लोगों को ये बताना पड़ता है कि हमारी कितनी प्रगति आगे हुई है, पर इन लोगों के द्वारा उस पर गौर नहीं किया गया। और लास्ट में जब अंतिम चेतावनी ही इनको दे दी गई भी एक बार और इनको पुलिस लेके भी हम लोगों ने समझाया कि आप इसका निर्माण कर लीजिए, शौचालय पूर्ण कर लीजिए। कुछ लोगों को तो डबल किस्त हो गई थी, क्योंकि गड्ढा खुदने के बाद 4,000 की किस्त चली जाती है, तो उनको दोबारा ऊपर बनाने के लिए 4,000 की पुनः किस्त जारी करी, यानी कि 100% तथा 8,000 रुपये किस्त जारी की जा चुकी, बावजूद उसके भी उन्होंने निर्माण नहीं कराया बार बार कहने के, तो मजबूर हो गए। फिर ये पालिका प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा, FIR करानी पड़ी। डीबी न्यूज़ के लिए रामपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में मौर्य नगर निवासी आचार्य विष्णुदत्त तिवारी के आवास पर शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होना है, जिसमें पहले दिन नगर में कलश यात्रा निकालकर इसका शुभारंभ औपचारिक रूप से कर दिया गया। कथा रविवार से शुरू होकर एक सप्ताह तक चलेगी। डीबी न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से शिवाकांत पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र से पिछले 5 दिन से लापता लड़की का कोई भी सुराग नहीं लगा पाने के कारण आज लड़की के परिजनों ने दादरी कोतवाली के सामने NH 91 रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। पुलिस तो हमको वैसा आश्वासन नहीं दे रही है कि ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। किसी लड़के पे आपने शक जाहिर किया था, किसी पे मुकदमा लिखाया था, किसी का नाम क्या? हाँ जी, नाम लिखाया था। मुझे वैसे देखो कुछ इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं बताऊँ जो कुछ पता लगा है, जो जहाँ लड़की ट्यूशन पढ़ती थी सब कुछ वहीं से पता लगा है लड़के के बारे में। अच्छा, हाँ क्या पता लगा वो बताइए, मैं वो पूछ रहा हूँ। उन्होंने जो उस बैच में बच्चे थे उन्होंने सभी से बात करी है, तो सभी से बात होगी, लेकिन उस लड़के से ही संपर्क नहीं हो पाया था, तो शक की सुई उस लड़के की तरफ गई थी, सक्की सुई उस लड़के की तरफ गई थी, तो हम उसके गांव में पूछताछ के लिए गए थे, तो वो लड़का घर भी नहीं मिला। हमने उसके भाई से पूछा तो उसने कहा कि वो तो 1-1.5 बजे से गया हुआ है, और एक दो लड़के उसके और भी साथ हैं। कौन है वो लड़का, कहाँ का रहने वाला है? वो लड़का वीरपुरा का है, लड़का का नाम सुमित देवतिया है। डीबी न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से राहुल कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में दिन दहाड़े हुई किसान की लूट के बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना असमोली इलाके के गांव हसनगढ़ और मथना के बीच 1 सितंबर को 3 बाइक सवारों ने पशु बेचकर आ रहे पिता पुत्र को अपना निशाना बना लिया, जिसके बाद आरोपियों ने दोनों पर फायरिंग कर पैसे लूट कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक संभल पुलिस द्वारा पकड़ा गया आरोपी माहिर भूरा गैंग का सदस्य है। असमोली थाना क्षेत्र में एक पशु व्यापारी था, उसके साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग करके इन लोगों ने लूट की थी, जिसमें व्यापारी की एक की मृत्यु हो गई थी और एक घायल हो गया था। इसमें टीम लगाई गई थी, पूरी हमारी असमोली थाना क्षेत्र की टीम, SOG टीम, ये सारी टीमें लगी हुई थी। इसमें काफ़ी अथक प्रयास किया गया, तो इसमें जो अभियुक्त हैं वो भूरा गैंग के सदस्य थे, जिन लोगों ने इसको पीछा किया और मुखबिर की सूचना पर इसको मनोटापुर से पकड़ा गया। डीबी न्यूज़ के लिए संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के कोतवाली बिलासपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी से उत्तराखंड से तस्करी करके लाई जा रही 1 लाख रुपए की 25 कुंतल खेर की लकड़ी पकड़ी और कार चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार को सील कर दिया है। इसमें हम लोग को सूचना मिली थी, हम लोगों ने पूरी जाँच पड़ताल की, तो हमें पता चला कि रोड के पास एक बोलेरो गाड़ी जा रही है और उसमें खैर की लकड़ी है, उनका पीछा किया। उस कार्रवाई में जो चालक था वो फरार हो गया गाड़ी छोड़ के, और बाकी खैर की लकड़ी हम कब्जे में ले लेंगे। डीबी न्यूज़ के लिए रामपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में मामला थाना क्षेत्र मलहीपुर के गांव अकार गांव के पास का है, जहां सुबह करीब 8 बजे घर से अपने खेत को ट्रैक्टर लेकर जा रहे 25 वर्षीय युवक सर्वेश कुमार गांव के पास बने पुलिया पर चढ़ाई करने लगा। तभी ट्रैक्टर पलट गया और युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डीबी न्यूज के लिए श्रावस्ती से इसरार अहमद की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम के नारायणा ई टेक्नो स्कूल में एलकेजी के 2 बच्चों के साथ क्लास रूम में टॉर्चर करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में क्लास टीचर 2 बच्चों को शोर मचाने पर उनके मुंह को टेप से सील करती नजर आ रही है। दरअसल ये वीडियो स्कूल के ही सिक्योरिटी इंचार्ज ने वायरल कर दिया। वीडियो में दर्ज तस्वीरें प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ हो रहे अमानवीयता की काली हकीकत को बयान कर रही है। ये मामला 6 अक्टूबर का है, जब एलकेजी क्लास के बच्चों का टेस्ट चल रहा था। इस दौरान 2 बच्चों के मुंह को दीक्षा नाम के टीचर ने टेप लगाकर कर दिया। इस पूरे मामले के बाद अब स्कूल अपनी सफाई दे रहा है। Whatever has happened, it's a stray unfortunate incident. We have taken commensurate punishment action against the teacher. She has been suspended and later on she has been terminated. Now both the child is safe. लेकिन सवाल यह है कि मोटी फीस ऐंठने वाले इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा कैसे और कब तक सुनिश्चित हो पाएगी? डीबी न्यूज के लिए गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपत्ति पर बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंक कर जिंदा जलाने की कोशिश की है। एसिड की चपेट में आने से पति गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि उसकी पत्नी इस हमले में बाल बाल बच गई। घटना की सूचना के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे पति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। हनुमंत कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, आज सुबह अपनी पत्नी के साथ टहलने निकला था। उसकी पत्नी के जो मायका है वहाँ पे जमीन का एक विवाद चल रहा है उसका, और उस पर कुछ लोगों ने हनुमत से एसिड फेंका है। उसके चेहरे पे एसिड की चोट आई है, पैर में इंजरी आई है, अस्पताल में है, ठीक है। इसमें महिला ने पहचाना है लोगों को, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा कायम किया गया है और शीघ्र इसमें गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। डीबी न्यूज़ के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के यमुना नदी किनारे बसे बैंदा गांव में बांदा के तिंदवाड़ी क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष दर्जील सिंह द्वारा रामचरितमानस अखंड पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस भंडारे में लगभग 50,000 भक्त शामिल हुए। डीबी न्यूज के लिए बांदा से जीतू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में कोतवाली शाहबाद क्षेत्र में आज विद्युत विभाग के जेई को एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जेई ने ये रिश्वत किसान से एस्टीमेट के नाम से ली थी। ये कार्यवाही एसडीएम सदर और समाज कल्याण अधिकारी व अन्य अधिकारी की मौजूदगी में की गई। इस कार्यवाही से जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई है जेई विद्युत प्रताप सिंह द्वारा, तो उसी आधार पर हम लोगों ने जो है एक संयुक्त टीम गठित की और उसमें युवाओं को लिया और ये गई विजय प्रताप सिंह को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा दिया। डीबी न्यूज़ के लिए रामपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।